हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम एक सपने के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने देखा है और उन्होंने पूछा है कि मैम प्लीज इसका अर्थ मुझे जल्दी से बता दीजिए क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत से ऐसे सपने आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ हमने टीवी में नहीं देखा, ऐसा हम कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा सपना क्यों आया, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये सोच बिल्कुल स्वाभाविक है, हर किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे इन सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है। बाकी किसी को भी अगर ऐसे सपने आते हैं जिनका कि अर्थ उनको समझ में नहीं आता और काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो कुछ सोचा नहीं था इसके बारे में, ये क्यों हमें ऐसा सपना आया, आखिर इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं उन सब्सक्राइबर की जो उनको सपना आया है। उन्होंने पूछा है कि मैंने सपने में देखा है कि बहुत गंदा एक नाला भरा हुआ है, उसमें बहुत सारा कीचड़ जैसा पानी भरा हुआ है और उसमें ना कोई कुछ फेंक रहा है जो कि उन्हीं का जानकार है, तो उसमें उनका सामान उठा उठा के फेंक रहा है जो कि उनका बहुत कीमती सामान है, जैसे फ़ोन हो गया, पर्स हो गया और गोल्ड का सामान हो गया, मतलब इस तरह का सामान उसमें फेंके जा रहा है और उनको चिंता हो रही है कि ये कहाँ मेरा सामान फेंक रहा है और मुझे तो निकालना है। ठीक है, ये उनका सपना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कीचड़ क्यों दिखाई देता है सपने में और इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी सपने में आप कीचड़ देख रहे हो, गंदा पानी देख रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि आपके जीवन में बहुत ही जो निगेटिव विचार हैं आप उनमें घिरने वाले हो। अगर आप देख रहे हो कि आप गंदे कीचड़ जैसे पानी से नहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो गलत विचार है ना, वो आप पे हावी होने वाले हैं, या आप किसी के बारे में गलत राय कायम कर सकते हो। जैसे कि कोई इंसान है, आपने सुना किसी से बारे में और आपने खुद ही एक राय कायम कर ली कि वो इंसान बहुत ख़राब है जबकि वो ठीक ठाक है, तो वो चीज़ें आपको सपने के थ्रू संकेत देते हैं कि आप अपने मन के जो कुविचार हैं उन पे लगाम लगाओ, ये विचार गलत हैं, आपको निगेटिविटी घेर रही है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि आप कीचड़ से खेल रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश हो, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आप किसी बुरी संगत में पड़ने वाले हो। तो पहले ही आपको यूनिवर्स की तरफ से संकेत मिलता है कि जो भी संगत आपको मिलने वाली है वो गंदी है, उससे दूर रहो। ठीक है, ये सपना कई बार अपने बच्चों के लिए भी आ जाता है। तो अगर आपको दिख रहा है आपके बच्चे कीचड़ से खेल रहे हैं और काफ़ी खुश हैं, तो उनको भी समझ जाना चाहिए कि उनके बच्चे कुछ गलत चीज़ों में पड़ने वाले हैं, तो अपने बच्चों पर ध्यान दें। अब बात करते हैं इनके सपनों की जिसमें देख रहे हैं कि उसमें कोई सामान उनका फेंक रहा है, जैसे गोल्ड का हो गया, उनके पैसे हो गए, कीमती सामान उनका फेंका जा रहा है और वो तुरंत कूद के वहाँ से सारा सामान निकाल के अपना ले आई। तो उसके बाद उन्होंने हाथ मुंह अपने अच्छे से धो लिए और लेकिन उस सपने में काफ़ी घबरा गई, जैसे भी मतलब सामान अगर किसी नाले में है तो वाकई निकालने में घबरा ही जाते हैं, तो वो घबराई गई। देखिए, इसका मतलब है कि कोई इंसान आपके आसपास का ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में निगेटिविटी ला सकता है, यानी आपको बहुत सारी चिंताओं से, गलत विचारों से घेर सकता है। गलत विचार मीन्स कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको लगेगा कि इस प्रॉब्लम से ये हो जाएगा, मेरे घर में ये दिक्कत आ जाएगी, मेरे पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, मतलब आप एक टेंशन में जो कि एक निगेटिव विचार है आप उनमें पूरी तरह से घिर जाओगे। जैसे कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम सोचते हैं कि अब तो ऐसा हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, हमारा तो बहुत बुरा हो गया है, हमारा तो नाश हो गया है, अब हम कैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे। तो जब आप इन तरह के विचारों में घिरते हो ना, तो ये सपने आपको आने लग जाते हैं। तो अगर आपको किसी ने देखा कि आपका कोई सामान फेंक रहा है, इसका मतलब है कि आपके आसपास का कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए निगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, जिसकी चिंता की वजह से आपके मन में निगेटिविटी घेरा कर सकती है, आपकी चिंताएं बहुत बुरी तरह घेर सकती है। हालांकि वे चिंताएं रियल नहीं होंगी, सिर्फ आप उनमें घिर के रह जाओगे। तो आपको निगेटिव विचारों से दूर रहना है, साथ में आपने सामान उसमें से निकाल लिया है, तो ये सपना ये है कि आप इन परेशानियों से जल्दी ही बाहर आ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ टाइम के लिए आपको निगेटिविटी घेरेगी, लेकिन आप अपनी हिम्मत के बल पे इस सारी निगेटिविटी से बाहर आ जाओगे और जो भी आप काम करोगे उसमें कामयाब हो जाओगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो थोड़े टाइम की परेशानी आपके जीवन में आएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय।